नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के ख़ुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज हम ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 113 नंबर की किस्त पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता किस्त में हमने वादा किया था कि हिजरत के 13वें ही महीने में पेश आने वाले एक चौंका देने वाले वाक़े का ज़िक्र करेंगे। ये वाक़या दरअसल ये था कि कर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी, इसने डाका जनी की और मदीने की चराहगाह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवेशी, सरकारी ऊँट और दूसरे लोगों के जानवर हंका ले गया। और इस वारदात का वाज़े मुद्दा यह था कि बावर कराया जाए कि हम 300 मील से आकर तुम्हारे हुदूद में से यूं तुम्हारी दौलत पर हाथ साफ कर सकते हैं। इब्ने हिशाम में भी ये वाकया दर्ज है, रहमतुल्लिल आलमीन काजी सलमान मंसूर पुरी साहब के जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 140 में भी दर्ज है वाकया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस एक मुख्तसर दस्ता लेकर ताकुब को निकले, पीछा किया और मदीने में ज़ैद बिन हारिसा को, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को कायम मकामी का मनसब सौंपा। वादी सफवान जो कि बद्र से मुत्तसिल है वहाँ तक चले गए, लेकिन कर्ज़ दस्तरस से निकल गया था, हाथ से निकल गया था। ये दुश्मन की एक ऐसी जसारत थी और हिम्मत थी कि जिसे कोई भी ऐसी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसके कारपरदाज या ऑफिशल्स हमीयत और शुजात से मालामाल हों और उनको अपनी सरजमीन की हुरमत का पास हो। ये डाका जनी सियासी लिहाज से हमले की मुतरादिफ थी, अब एक दौरे कारजार और एक खून आलूद मुस्तकबिल मदीने के सामने था। मक्के का मदीने पर हमलावर होना 2 हिजरी तक अगर मुअक्कर हुआ तो उसकी एक बड़ी अहम वजह, उसकी एक बड़ी अहम वजह ये थी, कोई रुकावट अगर हाइल ना होती तो शायद कुरैश की तलवार इससे बहुत कबल बरहना हो जाती और वो मदीने के नए इस्लामी मरकज़ को संभलने का मौका भी ना देती। मक्का और मदीने के दरमियान बनू किनाना का इलाका हाइल था जिनसे कुरैश की देरी ना मुखासमत थी। अंदेशा था कि बनू किनाना अव्वल तो कुरैश को अपने इलाके से गुजरने ना देंगे और ऐसा हुआ भी तो दूसरा ख़तरा ये था कि बनू किनाना मक्के को खाली देखकर हमला ना कर दें या कम से कम कुरैशी फ़ौज का मक्के से राबता किसी नाजुक मौके पर काट ना दें। सुराका बिन मालिक मुदलजी कनानी इस दरमियानी इलाके का सरदार था। इसे जब इतला हुई कि कुरैश ऐसे ऐसे अंदेशों की वजह से इकदाम नहीं कर रहे हैं तो उसने ख़ुद मक्का जाकर कुरैश को ताउन का यकीन दिलाया। इस गठजोड़ के मानी जंग बद्र थे। इस तस्री से हमारा मुद्दा यह है कि कुरैश को मुसलमानों की तरफ से न किसी इकदाम का इंतज़ार था और न वो जंगी कार्रवाई के लिए किसी मौके की तलाश में थे। इनके अंदर जारहियत की रूह पूरी आतिशी शान से काम कर रही थी। कुरान करीम इनको साफ अल्फाज में कहता है कि हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, यानी उन्होंने तुमसे अहद शिकनी की इब्तिदा की या पहले पहल तुम पर खुद उन्होंने वार किया। अब आइए दूसरे फरीक को लीजिए, जब हम मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी जमात के हालात का गहरा
तज्जिया करते हैं तो हर पहलू से यही शहादत मिलती है कि इस फरीक के लिए जंगी कार्रवाई से ज़्यादा नापसंदीदा सूरत कोई और नहीं हो सकती थी। उजड़े और पिछड़े लोगों का एक नए माहौल में दाखिल होना, आधी जमात का माशी तबाही से दो चार होकर अपनी बहाली के लिए हाथ पैर मारना, एक नए माहौल को इनकलाबी दावत के लिए आहिस्ता आहिस्ता तैयार करना, मुख्तलिफ खबाइलियत ज़दा अनासिर में उखुवत का जोड़ लगाना और उनकी जहनी व अखलाकी तरबियत करना, निज एक नई रियासत कायम करके उसके जुमला शोबों का नज़्म व नस्क तामीर करना, ये सारे काम बयक दम इस्लामी इनकलाब के अलमबरदारों के सामने आ गए थे और उनमें से हर काम देर तक पूरी पूरी तवज्जो और मेहनत चाहता था। ऐसे कठिन मसाइल में घिरी हुई एक छोटी सी जमात कभी भी कोई लड़ाई मोल लेने को तैयार नहीं हो सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग एक अजीम बैनुल इंसानी मिशन रखने वाले लोग थे। इनके सामने दुनिया भर की भलाई का एक मुकद्दस नस्बुल आयन था। उन्होंने ज़िंदगी की अजीम तरीन सच्चाई यानी एक ही खुदा की रुबूबियत व इलाहियत के नूर से तमद्दुन को जगमगा देने के लिए अपने सारे मफाद और आराम कुर्बान कर रखे थे और सब्र इसार की खौफनाक वादियाँ तय कर करके वो आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका तो सरमाए हयात ही नज़रिये हक था, अपनी छोटी सी जमात थी और मदीने की नौ तश्कील याफ्ता रियासत थी। उनका सारा मुस्तकबिल इस पूंजी से वाबस्ता था। वो उसके हिफाजत के लिए ठीक वही मुकद्दस फितरी जज्बा रखते थे जिससे सरशार होकर कोई मुर्गी जब किसी चील को मंडलाते देखती है तो सब कुछ फरामोश करके अपने चूज़ों को परों तले समेट लेती है। वो फाके काट कर माल खर्च करते थे, वो सूखे हुए जिस्मों के साथ चट्टानों से टकरा जाने के लिए तैयार थे। वो सारी लज्जतें और मफाद फरामोश करके दीवानावार हर उस ताकत के बाजू तोड़ देने के लिए सच्चा वलवला रखते थे जो उनके मकसद हयात को गारत करने के लिए टेढ़ी निगाह से देखे। वो मदीने की सुरूरंगेज़ हवाओं और बागों में उखुवत की लामिसाल फिजाओं में आकर भी तशद्दुद के जख्मों को फरामोश करके कभी चैन से गफलत की नींद न सोए और न उनकी निगाह सरों पर लटकते हुए उस खंजरे पैकार से कभी ना हटी जिसके कब्जे पर मक्के की क़ियादत का हाथ था और जिसके बारे में कुछ मालूम न था कि कब वो बर्फ के खिरमन सोस की तरह अचानक टूट पड़ेंगे। न हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजती इंतजामात से तगाफुल बरता और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफका ने इस सिलसिले में अपना फ़र्ज अदा करने में कोई कोताही दिखाई। आखिर ये लोग दरवेश और जोगी न थे, नहायत ज़ेरक और फ़ाल शख्सियतों के साथ एक नई दुनिया बनाने चले थे। ऐसे तारीख साज लोग मुखालिफीन को ताकत का जवाब ताकत से देने का दिमाग रखते थे। आइए जायज़ा ले कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजती तदाबीर क्या क्या इख्तियार फरमाई थी। मदीने में मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने वाले मुहाजिरीन महज अपने लिए जाए अमन सुकून तलाश करने वाले लोग न थे और न उनकी तब्दीली वतन का इकदाम कुछ माशी हौसलों की तकमील के लिए था। वो एक ऊंचे मकसद के लिए आए थे और उसे फरामोश करके वो अपने लिए ठिकाने हासिल करने और इक्तिसादी उरूज की राहें तलाश करने में गुम नहीं हुए बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुनज्जम तरीके से बसाया और अंसार के साथ उनकी माशी व समाजी क़ुव्वत कायम की, भाईचारगी कायम की और फिर उनको मस्जिदों के तमद्दुनी मराकिस के ज़रिए जमाती तंजीम में पिरो दिया। इबादात मवाइस तालीम क़ुरान और दूसरी तदाबीर से उनकी जहनी अमली और अखलाकी तरबियत का काम फ़ौरन शुरू कर दिया और इस काम को तेज़ी से तौसीह दी। इसके साथ साथ निज़ाम रियासत के ज़रिए उनकी शिराज़ा बंदी कर दी। यूँ बेसरो सामा मुहाजिरीन अंसार से मिलकर एक मजबूत क़ुव्वत बन गए और ये क़ुव्वत बराबर नशोनुमा पाती चली गई। दूसरे लफ्ज़ों में इंसानी क़ुव्वत को अव्वलियत देकर उसे तैयार किया गया। चलते चलते ज़िमनन यहाँ एक अहम नुक्ता बयां कर देना नहायत ज़रूरी है कि मक्के की तरह मदीना दिफाई लिहाज से बहुत ही मौजू मकाम था।
قطع نظر اس جغرافیائی پوزیشن کے جو مدینہ کو حاصل تھی کہ شام و عراق کے اہم علاقوں کے وہ بالکل سامنے تھا۔ عرب کے عظیم ترین تجارتی شاہراہ کے سرے پر تھا اور سمندر سے صرف 70 یا 75 میل کے فاصلے پر تھا۔ خود اس شہر کو قدرتی تحفظات کا ایک مضبوط قلعہ مہیا تھا اور ذرا سی چوکسی باشندوں کی تنظیم اور دفاع کی مناسب تدابیر اسے مزید مضبوط تر بنا سکتی تھی۔ شہر تقریباً 10 میل لمبے 10 میل چوڑے میدان میں پھیلا ہوا تھا اور فاصلے پر مختلف قبائل کی چھوٹی چھوٹی بستیاں اس وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قطعہ جوف مدینہ کہلایا اور اسی کو حرم قرار دیا گیا۔ اس ناہموار میدان کے بیچ میں سلع نامی پہاڑ واقع ہے اور دوسری چھوٹی پہاڑیاں ہیں جیسے ابل عیر اور جبل ثور نے اسے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ قبائلی بستیوں میں آجام یا آتام کے نام سے مضبوط حفاظتی چوٹیاں موجود تھیں جن کی تعداد ایک وقت میں 100 کے قریب رہی ہے۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو دارالسلطنت تھا وسطی حصے میں واقع تھا، اس کے جنوب میں گنجان باغ تھے، جنوب مشرق میں قباء اور عوالی کی بستیاں اپنے باغوں سمیت موجود تھیں، مشرق میں قباء سے احد تک یہودی محلے شرقاً غرباً پھیلے ہوئے تھے اور جنوب مغرب میں بھی آبادیوں اور باغوں کا نسبتاً گنجان سلسلہ تھا۔ قدیم فصیل مدینہ کے باب الشامی کے پاس بنو ساعدہ جن کی چوپال میں خلیفہ اول کی نامزدگی ہوئی تھی رہتے تھے اور ان سے آگے جبل سلا پر بنو حرام کی آبادی تھی اور شمال مغرب میں وادی العقیق کے کنارے بئر روما تک بکثرت باغات تھے، جنوب میں بلند پہاڑیاں تھیں اور کٹن راستہ وادیوں اور گھاٹیوں سے گزرتا تھا۔ مدینہ کے مشرق اور جنوب میں لاوے کے پتھریلے میدان تھے جو نہ جنگی پڑاؤ کے لیے موزوں تھے اور نہ میدان کارزار بننے کے لیے۔ صرف شمال کی جانب سے شہر کا راستہ فوجی لحاظ سے کھلا تھا۔ چنانچہ بدر اور احد کی جنگیں لڑنے کے لیے قریش نے وہی سمت پسند کی، لیکن مکہ کی فوجوں کا شمال کی طرف سے جا کر حملہ کرنا جنگی لحاظ سے ایسی پیچیدگیاں رکھتا تھا جو مدینہ کے لیے مفید پڑ سکتی تھی۔ عہد نبوی کے میدان ہائے جنگ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 27 سے 29 تک مطالعہ کریں گے تو یہ جو میں نے نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اس میں انہوں نے درج کیا ہے لفظ بہ لفظ۔ لیکن مدینہ کے محل وقوع اور اس کی موضوع ترتیب سے فائدہ اٹھانے کا انحصار اس پر تھا کہ اس کی آبادی کو ایک نظم میں پرو دیا جائے۔ اس غرض کے لیے دوسرا بڑا کارنامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر انجام دیا کہ معاہدات کے ذریعے یہود اور اوس اور خزرج اور دوسرے متصل قبائل کو ان کے مذہبی، تمدنی اور معاشی فروق یعنی ڈیفنس کے باوجود ایک نظم میں پرو دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی مہارت کا یہ ایک درخشاں ثبوت ہے کہ ایک شخص بالکل اجنبی ماحول میں جاتا ہے اور وہ متضاد عناصر کو چند ہی ماہ میں ایک سیاسی وحدت بنا دیتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس سیاسی وحدت کے تحریری دستور میں نہایت واضح طور پر عدالتی، تشریعی، فوجی اور تنفیذی اختیارات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں اور یہ نوشتہ خدا کی حاکمیت کی اصولی روح سے آراستہ ہے۔ اس سیاسی دستاویز میں جملہ شرکا سے منوا لیا گیا کہ عربی قبائل میں جو مشرک اور یہودی شامل ہو وہ مسلمانوں کے تابع اور جنگ کی صورت میں ان کے معاون ہوں گے۔ نیز یہ کہ وہ قریش مکہ کے جان و مال کو نہ تو خود کوئی امان دیں گے اور نہ مسلمانوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ اس صورت میں ڈالیں گے جبکہ وہ کسی قریشی پر حملہ آور۔ اس میں یہ بھی منوا لیا گیا کہ جنگ و صلح کے معاملات مشترک ہوں گے، کوئی جنگ سب کے لیے جنگ ہوگی، فوجی خدمت لازمی اور جبری ہوگی، البتہ جملہ حلیف اپنے اپنے حصے کے مصارف جنگ خود ادا کریں گے یعنی کہ اخراجات۔
यहूदियों के साथ ये अम्र पूरी वजाहत से तय हो गया कि उन सब से लड़ेंगे जिनसे मुसलमान लड़े, और वो उन सब से सुलह करेंगे जिनसे मुसलमान सुलह करें। वो मदीने को मुदाफात में मुसावियाना तौर पर हिस्सा लेंगे। मुसलमानों पर कोई हमलावर हो तो यहूदी मुसलमानों की मदद करेंगे, और जवाबन अगर यहूदियों पर कोई हमलावर हो तो मुसलमान उनकी मदद करेंगे। अहद नबवी में निज़ाम हुक्मरानी, डॉक्टर हमीदुल्ला सिद्दीकी साहब का मकाला है, दुनिया का सबसे पहला तहरीरी दस्तूर उन्वान है, उसमें उन्होंने इन तमाम नुकात को दर्ज किया है। नाज़रीन गिरामी, मदीने की दस्तूरी दस्तावेज़ में इस सिलसिले की दफ़ात इस हकीकत की आईनादार हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाज़े तौर पर कुरैश की तरफ से जंगी कार्रवाई का अंदेशा था, और इसका मुकाबला करने के लिए सियासी तौर से पूरी पूरी पेशबंदी कर ली गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने का डिफेंस सिस्टम, जिसको अलग अलग अंदाज में हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगली किस्त में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इस दस्तूरी दस्तावेज़ में एक नहायत ही अहम इकदाम की तफसील मौजूद थी, और वो क्या थी, अगली किस्त में इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।